बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वाइटामिन डी एक चर्बी में घुलने वाला वाइटामिन है जो मजबूत हड्डियों, मुदाफ़ती अफ़ाल और मजमूई सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। फ़वाइद: मजबूत हड्डियों और दांतों को बरकरार रखता है, कैल्शियम की सतह को मुनज़्ज़म करता है, मुदाफ़ती निज़ाम के काम की हिमायत करता है, बास कैंसर और खुदकार कुव्वत मुदाफ़ियत की बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है, पट्ठों के अफाल और मूड रेगुलेशन के लिए अहम। नुकसानात: ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जहरीला हाइपर कैल्शियमिया का बाइस बन सकता है, बास दवाओं के साथ इंटरेक्शन यानी तामुल करता है, मिसाल के तौर पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ज़्यादा खुराक से गुर्दे की पथरी शरीयानों के सख्त होने का खतरा बढ़ सकता है। बीमारियां: रिकेट्स, बचपन में हड्डियों का नरम होना, ऑस्टियोमलेशिया, बालिगों में हड्डियों का नरम होना, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमज़ोरी, बास कैंसर के बढ़ते हुए खतरे मसलन कोलोरेक्टल, छाती, प्रोस्टेट, ऑटोइम्यून डिसीजेस यानी डायबिटीज टाइप 1, स्क्लेरोसिस। कमी: सूरज की महदूद शुआएं, सिया जल या बास तिब्बी हालात वाले लोगों में आम अलामात जैसे हड्डियों में दर्द, थकावट, पट्ठों की कमज़ोरी, मूड में तब्दीली। बास ग्रुप के अफराद का खतरे का शिकार होना, जैसे बूढ़े, बालिग, मोटापे के शिकार अफराद, हामला या दूध पिलाने वाली खवातीन। खुराक के ज़राया: चर्बी वाली मछली सैल्मन, मैकरेल, सार्डिन, मजबूत डेयरी मसनुआत संतरे का रस और सीरियल्स, मशरूम, शिटेक, पोर्टोबेलो, अंडे की जर्दी, बीफ जिगर, सब्जियां। कुदरती तौर पर विटामिन डी से भरपूर ना होने के बावजूद कुछ सब्जियां इससे भरपूर हो सकती हैं। मशरूम, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, मजबूत तवाना पौधों पर मबनी दूध और अनाज। इजाफी तजावीज़: सूरज की रोशनी जिल्द में विटामिन डी की पैदावार को तेज़ कर सकती है। अगर आप अपनी सेहत के हवाले से फ़िक्रमंद हैं तो किसी मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।